aşk laftan anlar mı? Tesadüflere inanma. Benim bir bildiğim yok. Çok bilenlere inat. Sağım solum kötü kadın, sıkıldım beni yatın şu gıybet uyumunda. Yalancının mumu söner, hikaye başa döner, bir şarkı vardı neydi la? Laftan anlamaz. क्या हुआ, आप ऐसे क्यों घूम रहे हो भाई? कुछ नहीं, मैं बस एक कॉल का इंतजार कर रहा हूँ। हाँ बोलो। चला मुराद सर, मैंने उस शैंक का नंबर ढूंढ लिया है और वो जल्दी बताओ वो कहाँ पर है। फेनार बच्चे में, वहाँ पर कोई बास्केटबॉल का ग्राउंड है और वहीं पर वो रात को मुझे कार की चाबी दो। कैरम। हाँ देता हूँ, पर बात क्या है? चाबी दो। रुको रुको रुको, हुआ क्या है भाई? मेरी पर्सनल प्रॉब्लम है, तुम दोनों इससे दूर रहना। चलो उसके साथ चलते हैं। इतनी गुस्से में क्यों है? भाई बताओगे प्लीज आखिर हुआ क्या है? जरा धीरे चलाओ, तुम स्पीड लिमिट क्रॉस कर रहे हो। मुझे कोई परवाह नहीं। प्लीज भाई आप हमें बताएंगे कि आप इतने गुस्से में क्यों हैं? गुस्से में आप सारे बुरे काम करते हो। बुरा तो अब शैंक के साथ होने वाला है, देखना। भाई ये कौन शैंक? भाई जो दिदम की बर्थडे पार्टी में हयात के आसपास भवरे की तरह मंडरा रहा था। तो आपको भी वो बात पता है? कौन सी बात के बारे में कह रहे हो? हयात ने आपको बताने से मना किया था, लेकिन बेहतर होगा कि मैं अब आपको बता दूं। उसने हयात को छेड़ा, उसे किस करने की कोशिश की। क्या? इसीलिए उस रात हम जल्दी वापस आ गए थे। हयात सारी रात रो रही थी और वो ये बात किसी को भी बताना नहीं चाहती थी, इसीलिए मैं चुप रहा। शैंक, क्या समझता है खुद को? हयात से बदतमीजी की तूने? वो खुद भी वही चाहती थी, समझे तुम? उस बच्चलन के लिए खुद को परेशान क्यों कर रहे हो? तुम्हारे अंदर क्या कोई राक्षस बैठा है? इतना लजीज बना कि प्लेट भी खा सकती हूँ। एटलीस्ट कैरम की प्रॉब्लम सॉल्व हो गई है ना? चलो सब कुछ ठीक हो गया है। मेरे टूटे हुए दिल को छोड़कर सब ठीक ही है। हम उसे भी फिक्स कर देंगे। चीजें वैसी नहीं है जैसी पहले हुआ करती थी यार। इतनी मुश्किल से मुझे जॉब मिला, मेरी पहली सैलरी मिली मुझे, मॉम डैड को भी अच्छी तरह से संभाल ही लिया था मैंने। क्यों किया तुमने ऐसा मुराद? क्यों किया? तुम क्यों चले गए उसके पास वापस? तुम ही बताओ असला और पैक, क्यों किया ऐसा? क्योंकि वो एक मर्द है, और क्या उम्मीद करती हो? शुक्र मनाओ तुम्हें फंसाए बिना उस लड़की के पास लौट गया, वरना कुछ भी हो सकता था। वो ऐसा नहीं करता। क्यों मैडम? क्योंकि डियर, हया जब सो रही थी तब उसने उस पर ब्लैंकेट डाला था
और मुझे नहीं लगता उस चुड़ैल दिदेन और मुराद के बीच ऐसा वैसा कुछ भी होगा। तुम्हारी ऐसी बातों से ना दम घुटता है। मुझे ऐसा लगता है तुम खुद को बेवकूफ बना रही हो। मान लो कि अभी मुराद यहाँ आ जाए तो तुम क्या करोगी, बताओ बताओ ना। अगर इस वक्त वो यहाँ इस कमरे में आ जाए। यहाँ कोई नर्स है? तुम यहाँ पर क्या कर रही हो? आप यहाँ पर क्या कर रहे हो और ये हुआ क्या है? सवाल पूछना बंद करो हयात, पहले हुआ क्या है ये पूछो। मैं ठीक हूँ लेकिन दूसरे नहीं है। ओह, उन्हें पहले देखो। दूसरे कौन? और भी कोई है क्या? मुझे समझ में नहीं आ रहा। तुम ऐसा कह रहे हो कि तुमने उन्हें मारा है लेकिन हालत तो तुम्हारी ज्यादा बिगड़ी हुई है। हकीकत जानना चाहोगी तो ध्यान से सुनिए आंसले मैडम। अगर हम लोगों की हालत अच्छी है तो फिर सोचिए उनकी क्या हालत होगी। बहुत ही बदतर होगी। इपेक, पता है सब कुछ अचानक हुआ, नहीं तो मुझे चोट ही नहीं लगती। चुप बैठो, एकदम चुप, समझे? मेरी तरफ देखो कैरम, तुमने पहले दिन अपने गर्लफ्रेंड को शर्मिंदा किया है। तुमने अभी गर्लफ्रेंड कहा? इतना सीरियसली मत लो, मेरी तरफ देखो। बहुत दर्द हो रहा है, हाथ में भी दर्द है। थोड़ा सा आराम मिला। अब दर्द उतना नहीं है बल्कि दिल का दर्द उतर गया है। किसी पर गुस्सा निकाला इस वजह से? नहीं, वो बात नहीं है। मैं तुम्हारे लिए खुश हूं क्योंकि तुम अब उस शैंक के साथ हो ना। और हाँ, तुम्हें मुझे ये एक्सप्लेन करना बाकी है कि उस रात के बाद तुमने मुझसे क्यों छुपाई। मुझे लगा कि दिदेम और तुम्हारी फोटो प्रेस में उसने दी इसलिए तुमने उसे मारा। हाँ हाँ, उसलिए भी। सही कहा तुमने। तो क्या तुम्हारे और दिदेम के बारे में जो कुछ भी सुना वो सब रूमर है क्या? तुम्हारे बीच कभी कुछ नहीं था। लेकिन तुम क्यों पूछ रही हो? वैसे आप क्यों खुश हैं कि मैं शैंक के साथ नहीं हूं ये सब जानकर? यही बस खुश हूं। तुम्हारा हाथ ठंडा पड़ गया होगा। तब तक ठंडा नहीं होगा जब तक आप इसे थामे रहेंगे। ऐसे डायलॉग मार रही थी, ये आपके लिए थोड़ी काम है। लोग तो ये भी कहते हैं कि कपड़े उतार के एक दूसरे के गले लग जाओ तो ठंड नहीं लगेगी। तो क्या मुझे कपड़े उतारने पड़ेंगे? नहीं तो मजाक मत कीजिए, मैंने जो सुना बस वही बता रही थी आपको। आप ही उसका गलत मतलब निकाल रहे हैं। फिर शायद मैंने कुछ गलत सुना होगा। सब कुछ ठीक लग रहा है तो मैं चलती हूँ। ठीक है फिर। सर उस तरफ जाइए। दुरुक सरसलमाज, मुराद सरसलमाज और कैरम अकार, तुम लोग ही हो ना? हाँ हम ही हैं। क्या हुआ इंस्पेक्टर? आपके खिलाफ रिपोर्ट दर्ज हुई है।
अभी तो मिले थे और अभी बिछड़ गए। लेकिन कैरम को अच्छा सबक मिलेगा, उसने मेरे साथ जो किया उसे महंगा पड़ गया। ओह, मुझे इसके खिलाफ स्टैंड लेना चाहिए था। मेरी जान, ये इश्क नहीं आसान, इश्क मतलब सब्र है। तुम तो बिल्कुल फिल्मी बन गई हो, बस पुलिस स्टेशन तो गया है, इतना क्यों परेशान हो रही हो? ऐसे मत कहो मेरी जान, वैसे हयात का परेशान होना जायज है। मुराद है ही इतना हैंडसम की कोई भी सामने से देखे तो वो पागल हो जाएगा। ऐसे पेशेंट को कोई भी जिंदगी भर ट्रीट करना चाहेगा और उसे कभी भी डिस्चार्ज नहीं मिलेगा। मैं इस वजह से परेशान नहीं हूँ, इसलिए हूँ क्योंकि उनके साथ गलत हुआ है। किससे बेवकूफ बना रही हो? क्या हमने देखा नहीं तुम कैसे उसे घूर घूर कर देख रही थी, जिसे फिर कभी देखोगी ही नहीं? हमने तुम्हें भी ऐसे ही देखा है पैक। अब झूठ पर बोलो। क्या बकवास कर रही हो है? मैं उसकी मदद कर रही थी, मेरे अलावा उसके पास और कौन था? अच्छा ठीक है, मैंने मान लिया तुम उसकी मदद कर रही थी, मजाक छोड़ो। लेकिन अब हम क्या करें, हम यहाँ खड़े रहकर उनका वेट तो नहीं कर सकते है ना? एक अच्छी असिस्टेंट क्या करती है? अच्छी असिस्टेंट मदद करती है अपने बॉस की। मुराद सर जहाँ भी जाएंगे उनकी असिस्टेंट भी जाएगी, इसलिए उन्हें अकेला छोड़कर मैं घर नहीं आ सकती। उठो उठो फादिक, लगता है ज्यादा चीनी खाने से बेहोशी आ गई है हमें। देखो हमने घर की क्या हालत बना दी है, उठ जाओ। क्या टाइम हुआ है? कभी कभी तो ऐसा लगता है मॉम मेरे दिल की बात सुन लेती है। अब इन्हें क्या जवाब दूं? उठाओ जल्दी। हाँ मॉम बोलिए। क्या टाइम हुआ है बेटा? सिर्फ यही पूछने के लिए कॉल किया, घर पे देख लीजिए, रात के 10:15 बज रहे हैं। अब तो टाइम भी पता चल गया तो बाय। हयात मुझे गुस्सा मत दिलाओ, मैंने तुम्हें हॉस्पिटल में इंटर्नशिप करने के लिए भेजा है। हाँ तुम्हें असली को खाना देकर वापस आना था। हम नहीं आ सकते मॉम, नहीं आ सकते, यहाँ ना कोई प्रॉब्लम हो गई है। इपेक आपको बताएगी क्या प्रॉब्लम है। एमिनिया आंटी आप? हाँ आप मेरे मुजरिम कजिन को तो जानती है ना, वो कैरम। हाँ वही गुंडा कैरम, उसे पुलिस ले गई। ये क्या कह रही हो तुम? नहीं सच है आंटी, उसे सच में पुलिस पकड़ कर ले गई है। हाँ सच में मॉम, पुलिस अभी हमारे सामने उसे लेकर गई। एमिनिया आंटी मैं बाद में आपको पूरी बात बताती हूँ, अभी रखती हूँ, बाय बाय बाय। हाँ रुको सुनो, फोन मत रखना। रख दिया। क्या क्या हुआ दीदी? मैंने झूठ नहीं कहा? हाँ नहीं कहा, मैं और ऐसे नहीं रह सकती। चलो हम यहाँ नहीं रुक सकते, उन्हें मेरी जरूरत होगी तो वकील को फोन करना, खाना मंगाना, कपड़े नहाना। और हाँ उन्हें वो भी तो प्रॉब्लम है ना, वो एसिडिटी वाली दवाइयाँ भी नहीं लेते वो। पहले अपनी बकवास बंद करो। हाँ एक वकील की जरूरत है, शायद तुम्हें मुराद की फैमिली को फोन करना चाहिए। मेरे पास तो नंबर नहीं है, पर चाला के पास जरूर होगा। ठीक है पहले चाला को कॉल करो, और तुम असलम इनकी रिपोर्ट्स लेकर आओ। हाँ ठीक है। रिपोर्ट लेकर पुलिस स्टेशन जाते हैं, तुम चाला को कॉल करो। ऊपर वाले, लड़कियां मुसीबत में फंस गई, इतनी रात गई ये अकेली क्या करेंगी पुलिस स्टेशन जाकर? कुछ भी हो सकता है, कुछ भी। उन्हें कोई रास्ते से उठाकर किडनैप बिटो कर सकता है, आपको पता नहीं लड़कियां सेफ नहीं है। शांत हो जाइए शांत हो जाइए, रात को चोर लुचक की बदमाश घूमते रहते हैं। ऊपर वाले पागल लोग कुछ भी कर सकते हैं, कहीं से भी आ सकते हैं। नहीं ये क्या हो गया, ये क्या बकवास कर रही हो? तुम्हारी वजह से मेरा ब्लड प्रेशर बढ़ रहा है। समझ में नहीं आ रहा मैंने उन्हें परमिशन कैसे दे दी। अब क्या करें, मुझे लगता है हमें पुलिस स्टेशन जाना चाहिए। हाँ अच्छा आइडिया है, चलो 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 चलो। रुको उन्होंने फोन पर यही कहा ना कि वो पुलिस स्टेशन जा रही है। हाँ कहा तो था। हाँ तो हम पुलिस को जाकर क्या कहेंगे? हाँ हमारी बेटियाँ पुलिस स्टेशन आई है, प्लीज उन पर नजर रखिए, वो कहीं मुसीबत में ना फंस जाए। हाँ? मुझे बहुत अच्छा लग रहा है दीदी, मुझे खुशी है कि वो लड़का मुसीबत में फंसा है और उसे पुलिस उठाकर ले गई है, वो तो सबसे सेफ जगह है ना। ऊपर वाले अब हंस क्यों रही है? तुम पर हंस रही हूँ। क्यों? तुम्हारा दिमाग घूम गया है। क्या मतलब कि वो पुलिस स्टेशन में है चाला? ओह नहीं कैसे हुआ, किसने कंप्लेन की है,
कौन सा पुलिस स्टेशन? ओके चला, शुक्रिया बेटा। नहीं नहीं, किसी को कॉल मत करना, मैं सब कुछ देख लूंगा बेटा। क्या बात है डार्लिंग? हमारे बच्चों को पुलिस उठा कर ले गई है। दोरुक को भी? और कैरम को भी। मुझे बताओ तो सही, क्या हुआ? उन्होंने किसी की पिटाई की है। वो दोनों ठीक तो है ना? दोनों को चोट वगैरह तो नहीं आई? मुझे कुछ नहीं पता। क्या हुआ, कोई बताएगा भी मुझे क्या हुआ? कुछ भी अच्छा नहीं हुआ है माँ। पर हुआ क्या है? मुराद और दोरुक ने किसी की पिटाई की है और अब वो पुलिस स्टेशन में है। तो आखिर शहजादे आ ही गए। जो किया वो सूद समेत वापस मिलेगा। रुको, सब ठीक है, तुम अपनी जुबान पर लगाम रखो और चुपचाप बैठ जाओ, वरना तुम्हारे लिए सही नहीं होगा। देखा, ये आपके सामने धमकी दे रहा है ऑफिसर। तुमने जो किया है ना, उसके सामने ये कुछ भी नहीं है। अभी के अभी अगर तूने अपनी बकवास बंद नहीं की ना, तो तेरे दांत उखाड़ दूंगा। चलो, समझ गया ना? बहुत हो गया, शांत हो जाओ, चलो अंदर चलो तुम लोग। तुमसे शुरुआत करते हैं, तुम्हारा आईडी दिखाओ। मुराद सारसलमाज। अच्छा, तो तुम ही हो? जी हाँ। अजीब है, हम जनरली फेमस फैमिलीज को वकीलों की फौज के साथ ही देखते हैं। सर जी, उन्हें वकीलों की जरूरत होगी, हमें नहीं है। दरअसल प्रॉब्लम ये है, बाहर खड़े उस आदमी ने मेरे खिलाफ फर्जी न्यूज बनाकर मेरी फैमिली को परेशान किया है, और मैं ये बात साबित कर सकता हूँ। माफ कीजिए, लेकिन किसी की निजी जिंदगी में दखल देना गुनाह है। ठीक है, हम आपकी सारी बातें रिकॉर्ड कर लेंगे, पहले मुझे आपकी एंट्री करनी होगी। तो तुम कहना चाहते हो कि द ग्रेट सारसलमास के बेटे अपनी रात जेल में बिताने वाले हैं? उन्हें मारपीट करने से पहले सोचना चाहिए था देरिया। शायद उनकी गलती ना हो, तुम्हें तो कुछ भी पता नहीं है। इससे क्या फर्क पड़ता है माँ, क्या फर्क पड़ता है? उन्हें घर की इज्जत की कोई परवाह है? फोन भी नहीं उठा रहे। फोन कैसे उठाएंगे, उनके फोन भी उनसे ले लिए गए होंगे। अब हम क्या करेंगे? क्या आपको दिखाई नहीं दे रहा? निजात पुलिस कमिश्नर से बात करेंगे और वो लोग बाहर आ जाएंगे, और क्या? मैं कोई फोन नहीं करूंगा, उन्हें एक रात जेल में सड़ने दो, तभी उनकी अकल ठिकाने आएगी। अगर इतना शौक है तो तुम अपने बेटे को जेल में रखो, मेरा बेटा हरगिज वहाँ रात नहीं गुजारने वाला, समझे तुम? ये क्या बकवास कर रही हो, तुम्हारा बेटा मेरा बेटा? उन्होंने शहर के गुंडो जैसी हरकत की है देरिया, मैं उन्हें रिहा करवा के कोई शाबाशी नहीं देने वाला। अगर तुम कुछ नहीं करोगे तो मैं अपने बेटे के लिए कुछ भी करूंगी। देरिया, अगर तुम उस दरवाजे के बाहर गई तो फिर कभी अंदर नहीं आ सकोगी। सारसलमास के साथ तुम्हारा क्या रिश्ता है? कहने के लिए मैं मुराद सर का ड्राइवर हूं, लेकिन मैं उसका मिलिट्री फ्रेंड हूं, उसका बेस्ट फ्रेंड, उसका भाई हूं, और हमारी दोस्ती मरते दम तक रहेगी। ठीक है, ड्राइवर लिख देता हूँ। हाँ, उतना काफी रहेगा, लेकिन तुम सब कुछ लिखो ना भाई। तुम चाहोगे तो वो तुम्हारे पूरे खानदान की डिटेल्स भी लिख लेंगे। नहीं रह सकते। अगर आपका काम हो गया तो हम जा सकते हैं प्लीज? हाँ हाँ, पहले आप इस बयान पर साइन कर दीजिए, फिर आप यहाँ से जा सकते हैं। मेरे साथ आओ। कहाँ है वो? अरे मैडम, दिखा दी उसे। दुनिया के सबसे घटिया इंसान हो तुम जैसे घटिया आदमी की वजह से ही मुराद सर यहाँ पर है। शर्म नहीं आती है क्या तुम्हें? ये क्या हो रहा है? तुम्हें ना जाके, अब मुराद सर निर्दोष है ऑफिसर, वो तो बस अपनी कंपनी की, अपनी वर्कर्स की इज्जत बचाना चाहते थे ऑफिसर, उन्होंने कुछ नहीं किया। तुझे तो मैं देख लूंगी, तुझे इतना मारूंगी ना मैं कि अक्ल ठिकाने आ जाएगी तेरी। तू जैसे इंसान को चुल्लू भर पानी में मर जाना चाहिए। जब हमारी वकील साहिबा आई गई है तो अब हम कैसे हार सकते हैं? हाँ, पर एक बात कहूँ तुमसे, शायद हम वो पहले क्लाइंट होंगे जो अपने लॉयर की वजह से अरेस्ट होंगे। लुच्चे लफंगो, देखिए ऑफिसर, हमारे पास डॉक्टर्स की रिपोर्ट्स भी है, उन्होंने मेरे बॉयफ्रेंड को मारा है, इन्हें छोड़ना मत। सुना तुमने, उसने मुझे बॉयफ्रेंड कहा? मैं तो खुशी से ही मर जाऊंगा। मुझे तो इतना गुस्सा आ रहा है ना कि मैं कंट्रोल नहीं कर पा रही हूँ, मन कर रहा है तुम्हारा मुंह तोड़ दूं, भरता बना दूं तुम्हारा। हमें तो रिपोर्ट दिखाने की भी जरूरत नहीं है, इन्हें देखकर ही पता चलता है इन्होंने मेरे बॉयफ्रेंड को इतना मारा है कि उसकी शक्ल बंदरों जैसी हो गई है, मैं तो उसे पहचान भी नहीं पा रही हूँ। इपेक, तुम सबके सामने मुझे बदनाम कर रही हो। चुप रहो तुम, मैं बात कर रही हूँ ना इनसे, बीच में मत बोलो। देखिए ऑफिसर, इस जैसा आदमी ना सांप की तरह होता है, कैसे घूर रहा है मुझे, किसी को भी काट सकता है ये ऑफिसर। और आप जानते नहीं है, लेकिन ये मुझे झूठ बोलकर एक सुनसान जगह पर लेके गया था और मेरे साथ बदतमीजी करने की कोशिश की इसने। कुछ भी मत कहो, सिर्फ किस करने की कोशिश की थी, उसके लिए तुम्हारा थप्पड़ भी खाया था।
अगर तुम्हें पसंद हो तो फिर से कोशिश कर सकते हैं। मैं तेरी ज़बान खींच लूँगा। क्या कर रहे हो? तुम कौन हो? मैं मुराद सार सलमास की असिस्टेंट हूँ सर। और तुम? मैं उसकी गर्लफ्रेंड हूँ। किसकी गर्लफ्रेंड? वही जिसकी शक्ल बंदरों जैसी हो गई है। इपे मेरा इंसल्ट कर रही हो? ये सब लड़कियां इस केस से कनेक्टेड हैं क्या? बिल्कुल नहीं सर। हाँ, बिल्कुल। समझ गया। और तुम सारे लड़के चलो, तुम सब हवालात में ही रहोगे। सबको आज की रात जेल में गुजारनी पड़ेगी, तभी अकल आएगी। इपेक, मैसेज करना मुझे, मैसेज करना। और तुम दोनों बाहर जाओ, प्लीज प्लीज। मैं क्या बताऊँ, मुझे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा, जैसे कयामत की रात आ गई हो। लव, ट्रेजेडी और एक्शन सब एक साथ हो रहा है। क्या करेंगे, घर जाकर चुपचाप सो जाएंगे, और कोई चारा है क्या? तुम ना अपनी इस बेरहम दोस्त को कुछ सलाह दो, समझी? वो हमारी वजह से जेल में सड़ रहे हैं और इसे आराम की पड़ी है। कैसी बेशर्मो वाली बात है। तो क्या करे, गुनाह करके भर्ती हो जाए जेल में? वैसे उतना बुरा आइडिया नहीं है। अरे ये तुम क्या कर रहे हो, तुम पहले घर चली जाओ, थोड़ी देर आराम कर लो, और फिर ठंडे दिमाग से सोचो, ये तो बस एक एक्सीडेंट ही था। उफ यार, क्या चल रहा है, हमारी वजह से आज वो लोग जेल में पड़े हुए हैं। बहुत गिल्टी फील हो रहा है मुझे। वैसे मानना पड़ेगा, तुम्हारी गर्लफ्रेंड भी हयात से कुछ कम नहीं। उन्होंने मेरे बॉयफ्रेंड को बहुत मारा, मैं उन पर केस कर दूंगी। मुझे तो अपनी किस्मत पर केस करना चाहिए। और हयात के परफॉर्मेंस को हम नजरअंदाज नहीं कर सकते, वो सच में बहुत डेयरिंग लड़की है, किसी के बाप का डर नहीं। हाँ, वो तो बस अपनी ड्यूटी कर रही थी। इस समय उसे ड्यूटी करने की कोई जरूरत नहीं थी, वो एक अच्छी लड़की है। हाँ सच में बहुत बहादुर है दोनों, पुलिस नहीं होती तो शेंक और उसके दोस्तों की खैर नहीं थी। हाँ, हंस लो, लेकिन अगर वो यहाँ नहीं आती तो अभी हम यहाँ नहीं होते। हाँ। मुझे एक बात समझ में नहीं आ रही, उस लड़के को इससे क्या प्रॉफिट हुआ? जब वो हयात को पसंद करता है तो उसने उसकी फोटो प्रेस में क्यों दी? उसे नहीं, किसी और को प्रॉफिट हुआ, दिदम को प्रॉफिट हुआ। मैं सच कह रहा हूं, वो किसका चमचा है? दिदम का। हाँ, वो मेरे पास आई थी और रोकर कह रही थी उसने कुछ नहीं किया, उसकी फैमिली ने भी माफी मांगी है। क्या बात कर रहे हो भाई, वो शातिर लड़की है, तुम्हें आसानी से बेवकूफ बना गई। वो उतनी शर्मिंदा थी उस न्यूज पर जितना कि मैं। क्या आप दिदम को नहीं जानते हो भाई, वो हमेशा कोई ना कोई रास्ता ढूंढी लेती है। वो आंसू मगरमच्छ के थे। चुप नहीं बैठने वाली, मैं फोन भेज दूंगी। तुम यहाँ हो तुआल यार, तुम फोन क्यों नहीं उठा रही हो? मैं अंदर नहीं आ पाती, अगर मेड नहीं होती तो। मुझे सुनाई नहीं दिया। क्या तुमने सच में कॉल किया था? मैं चेक करती हूँ, एक सेकंड रुको। हेलो। हाँ दिदम डार्लिंग, मुझे सुनाई नहीं दिया, तुम्हें कुछ बताना है? मैं आज बहुत बिजी हूँ, फिर कभी आ जाना, फिर बात करेंगे। ओके बाय। तुम्हारे पास कोई रास्ता नहीं है, हमें काम शुरू करना होगा। मुझे 3 ब्राइड ड्रेसेस चाहिए, एक वेडिंग के लिए, एक कॉकटेल पार्टी के लिए और एक आफ्टर पार्टी के लिए। मैं वादा करती हूँ जान, कयामत के दिन से मैं काम शुरू कर दूंगी। यार अगर हम अभी काम शुरू करेंगे तभी जाके सब वक्त पे रेडी होगा ना, मुझे कुछ अलग दिखना है, आखिर सारते की बहू बनूंगी। दूल्हा मुराद या दो रुक तो हो नहीं सकते,
निजात सर दैरिया मैम को तलाक देकर तुमसे शादी करने वाले होंगे। हाँ हाँ, जी भर के मजाक उड़ा लो। मैं अपनी सास की सास से मिलकर आई हूँ। हमने चाय और कॉफी साथ बैठकर पी है। वो मुझे गुड बाय कहने के लिए दरवाजे तक आई थी। मैं अब तुम्हारी बॉस ही हूँ ना टुवाल, हाँ मतलब होने वाली बॉस, तो मुझे गुस्सा मत दिलाना। क्यों आए हो यहाँ? मेरी मदद करो। चुपचाप खड़े रहो, समझे? तुम जैसे बहादुर बंदे को ऐसा काम नहीं करना चाहिए। देख, मुझे तुमसे कोई प्रॉब्लम नहीं, बल्कि तुमने जो किया उससे प्रॉब्लम है। मुझे बस तुमसे सच जानना है और कुछ नहीं। मजाक कर रहे हैं ना सर? कौन सा पुलिस स्टेशन? वो सब झूठ है, सब कुछ झूठ है। मुराद सर तो मीटिंग में है। गुड डे सर, हैव अ नाइस डे, बाय बाय। रखती हूँ, गुड बाय। सारथी से बोल रही हूँ। आप कैसी बातें कर रहे हैं? किस पुलिस स्टेशन की बात हो रही है? मुराद सर एक बहुत ही अच्छे और नेक इंसान है। और पुलिस स्टेशन जाने में क्या प्रॉब्लम है? किसी काम से गए होंगे, हो सकता है कोई वेरिफिकेशन हो, किसी की मदद करने भी तो जा सकते हैं। ये क्या महाराज सर मीटिंग में है, वो सारी खबरें झूठी हैं। गुड डे सर। मुबारक हो, मुबारक हो। निजात सर ने क्या कहा है? हमें किसी को भी नहीं बताना है कि क्या हुआ है। इस कंपनी के बाहर कोई भी बातें नहीं जानी चाहिए, समझी तुम? हाँ समझ रही हूँ। पता नहीं शायद मेरा ही दिमाग खराब है, अब नहीं होगा। The great Tuwal office पहुंच चुकी है। Tuwal, नीचे जो प्रेस वाले कह रहे हैं क्या वो सच है? मुझे नहीं पता वो लोग क्या कह रहे हैं। मैं सीधे अंदर आई जब पता चला वो मेरे लिए नहीं आए हैं। शेंक और मुराद की कल रात लड़ाई हो गई। शेंक के दोस्त ने कहा ये सब कुछ सच है, पर मैं यकीन नहीं करना चाहती। तुम बहुत ज्यादा पैनिक हो रही हो, लगता है तुम इससे कनेक्टेड हो। Where is my coffee? दिदेम, आज के बाद यहाँ कभी दिखाई मत देना, समझी? तुम्हारा झूठ पकड़ा गया है। तुम मेरी कंपनी और जिंदगी से बाहर हो, निकल जाओ यहां से। लेकिन वो कॉन्ट्रैक्ट खत्म हो गया। तुम्हारा कॉन्ट्रैक्ट, तुम्हारा कॉम्पनसेशन तुम्हें दे दिया जाएगा। अब अपना सामान उठाओ और दफा हो जाओ यहां से। गेट आउट। जरा पानी लेकर आओ तो। संभालो अपने आप को। दीदी, कोई खबर आई है? नहीं अभी नहीं। उन्होंने कुछ ऐसा बड़ा काम तो किया नहीं जिससे उनकी खबर पेपर में आ जाए। मुझे यकीन नहीं हो रहा है निजात, हमारे बच्चे ऐसी हरकत नहीं कर सकते। लेकिन उन्होंने की है माँ। लॉयर का फोन है। हाँ। बोलो सलीम। हाँ कैसे चल रहा है सारा प्रोसेस? ठीक है, शुक्रिया सलीम। हाँ शुक्रिया, शुक्रिया। क्या कहा उसने? उन्हें आज सुबह ही पुलिस स्टेशन से छोड़ दिया गया। ऊपर वाले का शुक्र है। क्यों ना हम उन्हें नाश्ते पर ही बुला ले निजात बेटा। इसकी कोई जरूरत नहीं है, मैं अभी भी उनसे गुस्सा हूँ।
थोड़ा और पी लो तो तुम ठीक हो जाओगी। इसे और पानी पिलाओ हयात। जुवाल मैम आपको ऊपर बुलाया है, मिसेस कनान आई है। हयात लो इसे पानी पिला दे रहो, मिसेस कनान इंतजार कर रही होंगी। बाय। तुम ठीक हो ना? क्यों मेरे लिए दुख हो रहा है? ऑफ कोर्स दुख हो रहा है, और सिर्फ मुझे ही नहीं ऑफिस में सबको हो रहा है। तुम्हें तो सबसे ज्यादा हो रहा होगा, पर तुमने जो किया वो ठीक भी तो नहीं था। क्या जरूरत थी ये सब करने की दीदी? अपना नाटक बंद करो, तुम्हारा जादू मुझ पर नहीं चलेगा। मुझे अच्छे से पता है गिरकर कैसे उठना है। अपने छोटे से दिमाग में ये बात डाल दो, ये सब खत्म नहीं हुआ है। दोनों साहबजादे बाहर आ गए हैं देरिया। जानती हूँ, दो रुक ने बताया। क्या इरादा है, सारा दिन सोती ही रहोगी क्या? वो लोग मुराद के पीछे गए थे। कौन? दो रुक और कैरम। गलतियां करता रहेगा वो मुराद, और उसे भुगतना पड़ेगा मेरे बेटे को। आपको उसे सुनना चाहिए दूसरों से बड़ा चढ़ाकर बातें करते हुए, लेकिन मैं इस बात को छोड़ूंगी नहीं। मुराद की वजह से मेरे बेटे ने पूरी रात जेल में काटी, और ये मैं बर्दाश्त नहीं कर सकती। दोरुख भी मेरा ही बेटा है। तो फिर उसके लिए भी प्यार जताया करो ना। दरिया। क्या तुम फिर से मुझे धमका रहे हो? मुझ पर चिल्लाने से कुछ भी नहीं होने वाला। हमें मुराद को दोषी नहीं मानना चाहिए, वो अपने बाप जैसा है। लेकिन मैं इस बात को अब इस तरह से बिल्कुल भी नहीं छोड़ूंगी। आ जाओ। पूछ सकता हूँ वहां पर खड़ी क्यों? हाँ पूछ सकते हैं सर। तो बोलो। क्या बोलू? तो खड़ी खड़ी इंतजार क्यों कर रही हो? सिर्फ कोशिश कर रही हूँ अपनी हिम्मत को बढ़ाओ। आप वहां रात भर सोए नहीं होंगे, और दिदेम के साथ जो हुआ वो। अच्छा? मुझे लगा कि आपने नाश्ता नहीं किया होगा, और स्ट्रेस की वजह से आपको एसिडिटी हो सकती है, आप बीमार पड़ जाएंगे, इसलिए प्लीज नाश्ता खा लीजिए ना सर। हाँ तुमने सही सोचा, लेकिन अगर भूख नहीं लगी है तो मैं चली जाऊंगी। हाँ मैं कुछ खाना चाहता हूँ, पर वो नहीं जो मैं लेकर आई हूँ। जरा सांस भी लोगी? एकदम चुप। मुझे यहाँ पर नहीं खाना है। इसका मतलब? हाँ मुझे तो ये, मैं तुम्हें लंच पर ले जा रहा हूँ। चलो। मुराद ने एग्रीमेंट के टुकड़े उसके मुंह पर फेंक कर मारे। मुराद के गुस्से से तो सबको बचना चाहिए, एक तूफान जैसा होता है उसका गुस्सा। हाँ कुछ ज्यादा हो गया, लेकिन दिदैम ना ये डिजर्व करती है। तुमने देखा ना उसने कैसी चाल चली? वैसे मैं बहुत इंटेलिजेंट हूँ, लेकिन मैं भी उसे नहीं पकड़ पाई। क्योंकि वो बाहर से कुछ और है और अंदर से कुछ और। सच है, वो मॉडल तो बहुत अच्छी है, पर उसका दिमाग उससे भी ज्यादा शातिर है। सारते पे काले बादल की तरह मंडरा रही थी। हाँ, पर अब सारे प्रॉब्लम्स खत्म हो चुके हैं। जब कोई इश्क में होता है तो दिमाग काम नहीं करता, मैं बस अपने दिल की सुनती हूँ। डार्लिंग तुम हो ही ब्यूटीफुल, दिल से भी हो और बॉडी से भी। यस प्लीज मेरी तारीफ करते रहो, मजाक छोड़ो, लेकिन दोरुख मैं सच में ग्रेट हूँ, मानते हो ना इस बात को? यार तुम लेजेंड हो। क्या
कहते रहो कहो कि मैं यूनिक हूँ। अरे तुम यूनिक हो, चमकता सितारा हो, सब कुछ हो, तुम ही ग्रेट हो। बिल्कुल, क्या मुझे गले लगाना चाहते हो बता? बिल्कुल। आपको भूख लगी थी ना? हाँ, पेट में चूहे दौड़ रहे थे। आपकी एसिडिटी की बहुत फिक्र हो रही थी। आपकी एसिडिटी आप तो अच्छे से जानते हैं कि मैं हैंडल कर सकती हूँ। मुझे बदनाम मत करो, मैं अपनी बीमारी का ढिंढोरा नहीं पीटता। हाँ हाँ ये तो है, आप अच्छे हैं, इतने बुरे नहीं हैं जितना मैंने सोचा था। वो क्यों? दिदेम के साथ जो हुआ उसके। वैसे बुरा लगने जैसा कुछ था भी नहीं, मैं तो उसका कॉन्ट्रैक्ट पहले ही कैंसिल करने वाला था। अब आप क्या करने वाले हैं? दीदम ने खुद अपनी किस्मत को ठोकर मारी, उसने आखिर में जो किया उसे बर्दाश्त करना नामुमकिन था। ऐसा क्या किया उसने? शेंक उसका आदमी था, उसने हमारी फोटोज खींची और प्रेस में दे दी और फिर। ये सच है? शेंक ने मुझसे जो बदतमीजी की उसकी वजह दीदम, मतलब? तुम टेंशन मत लो, उन दोनों को उसकी सजा मिल चुकी है। उसे कंपनी से मेरी वजह से फायर किया गया? नहीं, उसने मुझसे झूठ कहा इसलिए। देखो एक दिन में मैंने कितना कुछ मिस किया है। तुम कह रही हो उसे सच में प्यार हो गया है? हाँ यार, सच्चा गहरा प्यार। वो खुद को भूल जाती है जब उसे देखती है। देखो ना वो कहाँ पहुँच गए हैं। याद है वो पहले कैसे मिले थे? उसके बारे में वो बस बातें करती रहती थी, बस बुराई करती थी, जैसे उसे सब पता हो। बिल्कुल, इश्क एक एक्सीडेंट की तरह है। वो दोनों एक दूसरे में होते हैं लेकिन बेखबर होते हैं। मिस इपेक इस पर साइन कर दीजिए प्लीज। थैंक यू। कैसी हो बेटा? डैड आप? व्हाट अ सरप्राइज, आप मुझसे मिलने आए। देखो बस हो गया, मुझे ये सब अच्छा नहीं लगता। मैं कितनी खुश हूँ। हेलो, मैं असल हूँ, हम मिले नहीं हैं, मैं इपेक की रूममेट हूँ। कैसी हो बेटा? ठीक हूँ अंकल। डैड आइए ना, आप खड़े मत रहिए, बैठिए। क्या लेंगे आप? चाय, कॉफी, जूस, कोल्ड ड्रिंक? आपको भूख लगी है? मैं आपके लिए कुछ ऑर्डर करती हूँ। बस कॉफी मंगवाओ। असल तुम? मैं भी कॉफी ले लूंगी। मेरे टेबल पे 3 कॉफी भिजवा दीजिए। हम शेंक की बात कर रहे हैं इसलिए बुरा लग रहा है? मुझे उस घटिया इंसान के बारे में सोचकर क्यों बुरा लगेगा? मुबारक हो, पहली बार तुमने कुछ अच्छी बात की। इतना भी खुश होने की जरूरत नहीं है मेरे कॉम्प्लीमेंट पर, अभी सब खत्म नहीं हो। मैं कहाँ कुछ कह रही हूँ? तुम्हें मुझे उस रात की सारी बातें बतानी होंगी। मैं आई थी बताने, मैं बस आपको ही ढूंढना चाहती थी जब मैं लेखा उससे वापस आ रही थी। तो फिर क्यों नहीं ढूंढा मुझे? उस वक्त आप दिदेम के साथ थे इसलिए। उसका हाथ पकड़ कर आप। हाँ अच्छा वो, हाँ मैंने दिदेम का हाथ जरूर पकड़ा था, पर वो तो मैं बस उससे अपने रूम का रास्ता पूछ रहा था। इट्स ओके, मुझे सफाई देने की क्या जरूरत है? मैं सफाई नहीं दे रहा, मैं भला सफाई क्यों दूंगा? हाँ मैं बस बातें क्लियर कर रहा था, क्योंकि इन्हीं छोटी छोटी वजहों से हमारे बीच सारी गलतफहमियां हुई। तो आप कह रहे हैं दिदेम को सिर्फ अपना रूम दिखाने के लिए लेकर गए थे आप उस रात? हाँ, और फिर थोड़ी देर में हम नीचे भी आ गए थे, लेकिन शायद तुम्हारा ध्यान कहीं और था। क्या? कुछ नहीं। आ?
तो डैड, मेरा ऑफिस कैसा लगा? अच्छा है। अंकल, आपको इपेक पर फक्र होना चाहिए। वो यहाँ इंटर्न बनकर आई थी और 3 सालों में वो यहाँ ब्रांड मैनेजर बन गई है। बहुत मेहनती है इपेक। तो क्या हुआ, ये कोई बड़ी कंपनी तो नहीं है? एक दिन बड़ी बनेगी। फिर भी तुम्हें मुबारक हो, अच्छा काम किया। असला तुम्हें मैं कुछ दिखाता हूँ। ये देखो, ये मेरा बेटा है, पिछले साल ग्रेजुएशन खत्म किया है। देखो तो कितना हैंडसम है, मेरा बेटा बहुत जीनियस है, जीनियस। हाँ सच में अंकल। अपने बाप पे गया है, इसके बारे में मैं घंटों बात कर सकता हूँ। इपेक, मैं बिजी हूँ, बस तुमसे इतना कहने आया था, हमें तुम्हारी कार बेचनी पड़ेगी। किस लिए? क्या हुआ है? मैं अभी भी उसकी इंस्टॉलमेंट्स भर रही हूँ डैड। कुछ हेल्थ प्रॉब्लम हुई है या कुछ और? सब ठीक हो जाएगा। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। मैं बस अपने बेटे के लिए एक दुकान खोलना चाहता हूँ। वो बस अपने एग्जाम क्लियर नहीं कर पाया। वैसे तो वो बहुत होशियार है, वो डॉक्टर बन सकता है अगर वो ध्यान से पढ़े तो, पर नहीं करता। उसे एक इंटरनेट कैफे खोलना है, तो हमें पैसों की जरूरत है बेटा, इसलिए तुम्हारी कार बेचनी पड़ेगी। तो आपको पैसे अपने बेटे के लिए चाहिए? हाँ बेटा। और मैं खुशी से पागल हो रही थी कि डैड मुझसे मिलने आए हैं, अपने बेटे के लिए आए हैं। तुम क्या कहना चाहते हो इपेक, वो तुम्हारे इकलौता भाई है। आप कुछ भूल रहे हैं डैड, मैं भी आप ही की बेटी हूं। मैं सारी जिंदगी आपके बेटे के खर्चे उठा रही हूं। वो अपना ग्रेजुएशन भी नहीं कर पाया क्योंकि उसे टाइम पास करना है। आपने उसे प्राइवेट स्कूल में भेजा और मैंने अपने लिए सिर्फ एक कार ही तो ली है डैड। तुम अब मतलब ही हो रही हो इपेक बेटा। तो क्या हुआ, हम क्या करें, उसे ऐसे ही छोड़ दें? उस बेचारे की किस्मत खराब है, वो एक अच्छा बिजनेसमैन बनेगा। मैं चाहती हूँ कि वो बिजनेसमैन बने, पर ये उसकी गलती नहीं। तुम्हें अपने भाई के बारे में सोचना चाहिए। ठीक है, तो ये बात तय है, तुम पैसों का इंतजाम करोगी, मैं जरा बिजी हूँ, घर जाने के लिए बस भी लेनी है। ठीक है, असल बेटा चलता हूँ, जल्दी करना। गुड बाय डैड। Aşk laftan anlar mı? Tesadüflere inanmam. Benim bir bildiğim yok. Çok bilenlere inat. Sağım solum kötü kadın, sıkıldım beni yatın şu gıybet oyununla. Yalancının mumu söner, hikaye başa döner. Şarkı vardı neydi, la la la. Aşk bu belli mi olur? Döner beni bulur. Hayat benim değil mi? Laftan anlamaz.